सबसे पहला कंसेप्ट जो न्यूरालिंक का है, न्यूरालिंक वैसे हम लोगों ने बात किया था जब हम साइबोर की बात कर रहे थे मिसलेनियस चैप्टर में, तो मैंने आपको न्यूरालिंक के बारे में बात किया था। तो साइबोर के अंतर्गत न्यूरालिंक के बारे में बात हुई थी। न्यूरालिंक प्रोजेक्ट है जो एलॉन मस्क लीड कर रहे हैं और इस बारे में मैंने बात किया था, और 2016 से इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम चल रहा है, या कह लो 2016 से न्यूरालिंक प्रोजेक्ट जो है वो चर्चा का विषय रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में करना क्या है कि इन्होंने एक सक्सेसफुल एक रिसर्च पूरा किया जहाँ पर ह्यूमन के ब्रेन के अंदर एक चिप इंटीग्रेट किया है, ओके और उस चिप के द्वारा ह्यूमन को, है ना, पहला ह्यूमन पेशेंट था जिसके अंदर चिप इंटीग्रेट करके उसको ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से जोड़ा है। यानी इस पूरी टेक्नोलॉजी को आप BCI के नाम से भी जान सकते हैं। सो ये टर्म याद रखिएगा, अगर न्यूरालिंक आता है तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस शब्द आपके ऑप्शन में होगा ज़रूर। यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब होता है कि आपके ब्रेन या न्यूरॉन्स के अंदर इस तरह के चिप्स वगैरह को लगाने के बाद आपके ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसको कंप्यूटर वगैरह के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, या बहुत सारी मशीन्स को अपने न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है मिसलेनियस टॉपिक में साइबोर के बारे में। साइबोर वही होता है, इसको हम कहते हैं साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म्स। तो हो सकता है आपके पेपर में कहीं ना कहीं ये टॉपिक साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म्स के साथ भी जोड़ दे, तो ठीक है, न्यूरालिंक एक तरह का साइबॉर्ग ही है जहाँ पर ह्यूमन मशीन इंटरफेस की बात की जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात हो रही है। न्यूरालिंक का पहला प्रोडक्ट जो है जो डेवलप हुआ है उसका नाम है टेलीपैथी। तो उसका नाम टेलीपैथी रखा गया। इसके अंदर है क्या, मैं आपको बताऊँ, ये एक तरह से किसी व्यक्ति को बेनिफिट देने वाला है जिसको किसी भी तरह के ट्रॉमेटिक इंजरीज हो गई है, या उसके लिम्स वगैरह की एक्टिविटी जो है उसके न्यूरॉन्स के थ्रू कोऑर्डिनेट होना बंद हो चुकी है। जैसे मैंने सोचा तो मैंने हाथ ऊपर उठाया, तो ये क्या, ब्रेन और बॉडी के साथ रिलेशंस है जो चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कोई बंदा है, उसके लिम्स वगैरह के मूवमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, जैसे मान लो पैरालिसिस हो गया या कुछ कोमा टाइप का हो गया, या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंजरीज हो गई जिसकी वजह से बंदे के अंदर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, उसके न्यूरॉन्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कोमा वगैरह में कोई व्यक्ति बेड पे बैठा हुआ, उसका दिमाग चल रहा है पर वो लोगों से बातचीत नहीं कर सकता है। अब इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो किसी भी हेल्थ सेक्टर में तो एक वरदान ही है, इसको आप रेवोल्यूशन ही मानोगे हेल्थ सेक्टर में। यहाँ पर पूरी तरह से न्यूरालिंक का काम यह है कि किसी इंडिविजुअल्स को हम कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित करेंगे। इसके बहुत सारे उसके थॉट्स वगैरह को, उसके एक्सप्रेशन वगैरह को हम एक डिवाइस के थ्रू लेंगे और उसके थ्रू मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को, बहुत सारी सीक्रेसी वगैरह को भी अगर देखा जाए तो डिस्क्लोज हो सकती, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी ओपन हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेन इम्प्लांट टेक्नोलॉजी इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी हद तक भविष्य में ये कारगर साबित होने वाली है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे ब्रेन इम्प्लांट्स के नाम से भी आप जानते हैं, ओके, ये टर्म ही थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। इसमें एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो बनाया जाता है ब्रेन और ब्रेन के साथ किसी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाता है, हो सकता है कंप्यूटर ही हो, या हो सकता है उसके द्वारा आपके बॉडी के किसी पार्ट्स को, जैसे किसी मशीन, आपने एक मूवी देखी होगी आई थिंक स्पाइडरमैन 2, आई थिंक उसमें एक कैरेक्टर होगा डॉक्टर ऑक्टोपस, देखना उसमें दिखा होगा कि बॉडी के पीछे जो स्पाइनल कार्ड होता है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ से उसके 4-5 हाथ जोड़ दिए जाते हैं मशीन से, मशीन हैंड होते हैं, और वो नेचुरल हाथ तो उसके बाद 2 ही होते हैं और 4-6 उसके एक्स्ट्रा हाथ जोड़ दिए जाते हैं, और वो अपने न्यूरॉन्स के द्वारा उन हाथ को कंट्रोल कर रहा होता है, चला रहा होता है। तो 2 हाथ से वो स्पाइडरमैन को पकड़ता है और 4-6 से वो मार रहा होता है, या 2 हाथ से दीवार चढ़ रहा होता है और 3-4 हाथ से कुछ काम कर रहा होता है, मतलब कुछ ऐसा। मूवी देखना आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक तरह का, ठीक है, सिग्नल को ट्रांसलेट करने का तरीका है जहाँ पे रोबोट्स, लिम्स, कंप्यूटर्स, बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ा जाता है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स वगैरह होते हैं जो लगाए जाते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी वगैरह को इंटरप्रेट किया जाता है। पूरी तरह से ये AI पावर चिप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चिप है जो ब्रेन के अंदर के इंफॉर्मेशंस को जोड़ने की कोशिश करता है। अब हम आपको लिए चलते हैं इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये भविष्य के साथ। तो ऐसा कहते हैं पार्किंसन डिजीज़ और एपिलेप्सी में, यानी ब्रेन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उस केस में एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक वरदान है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल जो फिजिकल डिसेबल हो चुके होते हैं, ठीक है, उनको एक तरह से इंडिपेंडेंस मिल जाता है, लोगों पर आश्रित नहीं रहेंगे, दे विल बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री, ठीक है। यहाँ पर जैसे कुछ प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स वगैरह, अब जैसे स्पाइडरमैन 2 में तो डॉक्टर ऑक्टोपस ने तो उसका मिसयूज़ किया था, मूवीज़ आप देखना, जरूर अच्छी मूवी है,
और साइबॉर्ग पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर अब किसी सख्त सच में किसी व्यक्ति को ज़रूरत है तो उसकी बॉडी में उस तरह के आर्टिफिशियल लिम्स को जोड़ सकते हैं। कॉग्निटिव इन्हांसमेंट है, और देखा जाए तो मेमोरी, लर्निंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वगैरह के लिए भी इनका इफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके चैलेंजेस देखें तो बहुत सारे इनके चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। और सच में आपको दोनों पहलू जानने चाहिए, प्रॉस भी और कॉन्स भी। तो एक एनिमल राइट्स का एक अपोजिशन भी है, क्योंकि एक एथिकल कंसर्न भी है कि उसे ह्यूमन को हम साइंटिफिक तरीके से उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मानव का अपना एथिक्स, मानव का अपना नेचुरल कैरेक्टर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है, पहली चीज़। दूसरा, सेफ्टी और रिलायबिलिटी भी। अगर किसी तरह का माल फंक्शनिंग वगैरह होता है तो जिन चीज़ों को रेगुलेट करना है वो चीज़ें खतरनाक भी हो सकती हैं, सेकेंड लेवल पर। थर्ड लेवल पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी। अब किसी चिप के द्वारा हो सकता है आगे चलकर कोई ब्रेन में चिप आप लगा रहे हो, क्या पता उसे हैक कर लिया जाए, है कि नहीं। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी वगैरह में भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। अनऑथराइज चीज़ें वगैरह है ना यहाँ एक्सेस हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं सेफ गार्डिंग इफेक्ट होगा, इंडिविजुअल की प्राइवेसी वगैरह जो होगी यहाँ पर वो कंप्रोमाइज़ होगी, ठीक है, कंप्रोमाइज़ होगी।